हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट मिल्क पाउडर पेड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में होगा। आप 3 से 4 सामग्री में इसे घर पर ही बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर 2 कप, 1/2 कप शुगर पाउडर लेंगे, आप शुगर को बिना पीसे नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। बॉइल्ड मिल्क लेंगे 3/4 कप, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे, घी 3 टेबलस्पून लेंगे। मैंने यहाँ घर का बनाया हुआ देसी घी लिया है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें हम सारे चीज़ मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया और शुगर पाउडर मैंने 1/2 कप इसमें डाल दिया। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। तो दूध मैंने बॉईल करके इसको ठंडा करके ले लिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते रहेंगे और इस तरह एक व्हिस्कर लेके इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। टोटल मुझे यहाँ पर 3/4 कप दूध की ज़रूरत पड़ी थी। अगर इसे मिलाते वक्त आपको 1-2 टेबलस्पून दूध ज़्यादा या कम लगता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गैस पर पैन चढ़ाकर घी डाल देंगे, घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें जो मिक्सचर बनाया था हमने वो इसमें डाल देंगे। तो अभी गैस का फ्लेम लो रखेंगे हम। तो गैस का फ्लेम लो रखकर हमें इसे इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि ये पैन को ना छोड़ ले, यानी ये लो फ्लेम में ना आ जाए, तब तक हमें चलाते रहना है कंटिन्यूसली। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा वरना ये नीचे से चिपकने लगेगा, जल भी सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसे नॉनस्टिक पैन में ही आप बनाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। आप चाहे तो 4-5 इलायची को कूटकर भी डाल सकते हैं या फिर टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसके बिना भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है तो उसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह हम चलाते हुए इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे स्टार्टिंग टू एंडिंग। अगर पकाते हुए आपको कहीं लम्स दिखे तो आप इस तरह स्पैटुला से दबाते हुए प्रेस करते हुए इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। आप सोच भी नहीं सकते इस मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा पेड़ा बनता है, जिसे हम बचपन में स्पून भर भर के खाते रहते थे ऐसे ही। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम सामग्री में घर पर ही 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार भी हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कभी भी आपको मीठा खाने का मन कर रहा हो या फिर आपके घर गेस्ट आए तो आप इसे 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, सब बहुत खुश हो जाएंगे। ये हुआ है या नहीं हुआ है ये टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर इसमें से ले लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अगर ये बॉल शेप में बन रहा होगा तो फिर मतलब ये हो गया है, अगर नहीं बन रहा होगा तो नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। मैंने अभी चेक किया था, नहीं हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए और इसे पका लेती हूँ। तो सारे साइड से भी हम इसे छुड़ा लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा थोड़ा पैन छोड़ने लगा है। हमारे चैनल में मथुरा पेड़े की रेसिपी भी ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने उसे नहीं देखा है या मिस कर दिया है और देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। या फिर स्क्रीन पर आए आई बटन को क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो जन्माष्टमी आने वाला है और बहुत सारे त्यौहार भी आने वाला है, आप चाहे तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसे आप घर पर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और घर में रखे हुए कुछ ही चीज़ों में ये बन जाता है। अभी हम मार्केट से लाकर कुछ भी खाना प्रिफर नहीं करते हैं तो ये हम बना सकते हैं घर में ही।
और टेस्टी भी ये बहुत ज़्यादा बनता है, बिल्कुल मार्केट के तरह। कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने ये घर में बनाया है। तो अब हम थोड़ा सा मिक्स इसमें से निकाल लेंगे और इसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है, तो गर्म में ये शेप में नहीं आएगा। तो अब हम इसे बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे बॉल बन रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्स तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ग्रीस कर देंगे एक प्लेट को घी से। तो अब हम प्लेट में सारा मिक्स को डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी ये, तो हाथ भी जल सकता है। तो इसे 5 या 7 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, इसके बाद हम इसे पेड़ा बनाएंगे। तो 7 मिनट हो चुका है अभी, तो ये ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह ये सेट हो गया है। एक रोलिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे जो हमने डो बनाया है, जो मिक्स बनाया है, उसे रख कर इस तरह हाथों से स्मूथ बना लेंगे। जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसे स्मूथ बना लेंगे। आप देख सकते हैं एक डो का शेप में आ चुका है ये। अब हम रोलिंग बोर्ड को भी घी से ग्रीस कर देंगे और इसे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह हल्के हल्के हाथ से आपको ये बेलना है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस मैंने इतना ही रखा है, आप अपने चॉइस से थोड़ा पतला या थोड़ा मोटा थिकनेस का रख सकते हैं। तो अब हम पेड़े का शेप दे देंगे इसे। तो इस तरह का मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया। आपके पास अगर कुकी कटर है या बॉटल की कोई ढक्कन हो उसमें भी आप ये शेप दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डो लेकर आप हाथों से भी गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और उसे पेड़े का शेप दे दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा पेड़ा बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह थोड़ा सा हम प्लेन कर देंगे, सारे साइड्स को स्मूथ कर देंगे, बहुत ही अच्छा पेड़ा बना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए वापस फ्रिज में रख देंगे। बस 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया। आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। पेड़ा कटने के बाद जो बाकी के डो बच जाते हैं साइड्स में, आप उसे वापस से भी पेड़ा बना सकते हैं। अब मैं मार्केट का लुक्स देने के लिए इसमें थोड़ा सा सिल्वर बरक लगा दिया और थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अपने पसंद से कुछ भी इसमें गार्निश कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि काजू, बादाम या पिस्ता, आप वो गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रोज पेटल्स लगा दिया है, ये ड्राई रोज पेटल्स है। आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी चिड़िसा नहीं है, बिल्कुल इसमें खिंचावट भी नहीं है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा प्रेजेंटेबल लुक्स इसका। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक ये खराब भी नहीं होगा। आप इस जन्माष्टमी पर इसे घर में जरूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।